वायनाड सीट से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और इसी को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि पार्टी के इस फैसले के आखिर नुकसान और फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं संसद में कांग्रेस पार्टी की ओर से जोरदार जुबानी में बोलने के लिए एक चेहरा सामने आ जाएगा। तो वहीं उत्तर और दक्षिण की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से राहुल गांधी खुद लोकसभा के सांसद चुने गए हैं और कहीं ना कहीं अगर वायनाड सीट से अब प्रियंका गांधी जीतती हैं तो उत्तर और दक्षिण में जो कांग्रेस की भूमिका है वो और अहम होती हुई नजर आएगी और इसका सीधा फायदा केवल चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इस फैसले से नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी पहले से ही राज्यसभा सांसद हैं और राहुल गांधी भी इस बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं और अगर प्रियंका गांधी भी लोकसभा की सांसद बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को हमेशा से घेरा जाता है, इस बार भी कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते हुए सभी दल नजर आएंगे।